बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ। ये मेरे पास अदरक था 1 किलो, ठीक है। इसको मैंने छील के वाश कर लिया था और मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड मशीन में इसको पीस लिया था। और उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया था, ये वाला, आप माल माल का भी ले सकते हैं और जाली वाला भी ले सकते हैं, इस तरह का। तो इसमें इसको मैंने छान लिया था और इसका मैंने जूस निकाल लिया था। ये 1 किलो मेरे पास लहसुन था, ठीक है। इसको मैंने छील के वाश कर लिया था, फिर मैंने हल्का सा पानी ग्राइंड मशीन में डाल के तो उसको मैंने ये फिर इसका उस कपड़े में माल माल में आप कर लें तो फिर उसको इसका जूस निकाल लें। 1 गिलास ये है मेरे पास। ये 1 किलो मेरे पास लेमन थे, ठीक है। तो इसको भी मैंने इधर से नहीं काटना, ऐसे काट के तो छुरी की नोक से इसके अंदर से जूस निकाल लेना है, ठीक है। तो ये मैंने फिर उसके बाद छान लिया था इसको। 1 गिलास लेमन का जूस है मेरे पास। ये मेरे पास एप्पल का विनेगर है, ठीक है, हली एप्पल का 1 गिलास, ये आपको स्टोर से मिल जाएगा। मेरे पास शहद है, हनी ओरिजिनल, ठीक है। और ये 2 गिलास उसमें ये शहद जाएगी। मैंने जला दी है, ठीक है, फ्रिज का मैंने रख दिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जाएगा विनेगर एप्पल इसमें 1 गिलास, ये लेमन जाएगा 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अदरक जाएगा इसमें 1 गिलास। सेम सारी चीज़ें जाएंगी, बस शायद 2 गिलास जाएंगे, बाकी चारों चीज़ें एक एक गिलास ही जाएगी सेम मिकदार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लहसुन का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 4 गिलास चीज़ें डाल दी थी चारों चीज़ें। अब मैं ये दरमियाने आंच के ऊपर इनको पकाऊंगी तो 3 गिलास रह जाएंगी, तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये माशाल्लाह से अब 3 गिलास रह गए हैं, ना इतनी संघनी है ना इतनी पतली है, ये लिक्विड ठीक है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, ये ठंडा होगा तो फिर उसमें शहद डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये ठंडा हो चुका है, इसमें अब मैं 2 गिलास शहद डालोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 2रा गिलास में डालूंगी शहद। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखें, ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो मैंने ये बोतल को अच्छी तरह धो के और खुश कर ली थी। एक गिलास नीम गर्म पानी लें और 1 टेबल स्पून उसमें डालें ये लिक्विड और उसको मिक्स करके आप निहार मुँह सुबह पी लें और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। ये मैंने रेडी कर लिया है लिक्विड दिल की रगों के लिए। जिन लोगों का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है वो ये शुरू करें, इंशाल्लाह उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी बाईपास की। और उसके बाद जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है और लो होता है वो भी लें, उनका भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा और ये फैट आपका ख़त्म करेगी और ब्लड आपका गाढ़ा होने से रोकेगी। जिन लोगों को शुगर है वो भी लें और जिनको नहीं शुगर वो भी लें। ये और किसी के लिए बहुत बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, आपका वेट भी लूज़ करेगी अल्लाह करे तो। आपको ये
बनाए और अच्छी लगे। ये सुबह निहार मुँह आपने एक गिलास पानी लेना है, उसमें एक टेबलस्पून ये डाल के मिक्स करके तो ले लें, एक गिलास पानी पी लें। उसके बाद आप आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें। ये एक माह के लिए आप बना के स्टोर कर सकते हैं। तो अल्लाह करे तो आपकी ये बहुत बन जाए अच्छी और आपको ये अच्छी भी लगे, इंशाल्लाह फ़ायदा देगी, इंशाल्लाह ज़रूर। प्लीज़ आप ये बनाएं और ट्राई करें तो आप बहुत बीमारियों से बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये एक माह के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख ले बना के। तो जो मेरे नए सब्सक्राइब हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो पुराने हैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब करने का। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।